हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अलर्ट क्या होता है? अलर्ट का मतलब पहले समझ लो। अलर्ट मतलब एक मैसेज देना चाहते हो तो आप मैसेज अलर्ट के रूप में दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट, तो आपने अगर अलर्ट लिखा है, अलर्ट के अंदर आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, नंबर्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। देखिए मैं अमय सावंत लिखता हूँ यहाँ पर, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो मुझे सिंपल आपको अलर्ट मिल जाएगा। देखिए अमय साहब, ओके। इसके बाद आपको अगर यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज डालनी है 25, तो वो भी आ सकती है, रिफ्रेश और 25। तो अलर्ट के मैसेज में आप कोई भी मैसेज दे सकते हो। 25 + 5 करना है तो कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। और ये देखिए, इसके बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो अलर्ट सिंपल क्या है? एक सिंपल, आपको अगर किसी कहीं पे वेबसाइट पे अगर मैसेज देना है तो आप अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका थोड़ा सा लॉजिकली व्यू देखेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। मान लो एक बंदा है, उसको उसका नाम है अनिकेत। उसको वो अगर सिलेक्ट करता है तीन चीज़ें, एक तो चलिए वो लिखते हैं, मैं तीन चीज़ें सिलेक्ट करता है, मतलब एक तो एप्पल, अगर वो एप्पल खाता है तो हमें एक टेक्स्ट प्रिंट करानी है। ओके, अलर्ट में तो वो टेक्स्ट है एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, LTH, फाइन। अब इसके बाद मैं बोलता हूँ जूस अगर पीता है वो, ओके, तो जूस अगर पीता है तो जूस इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, LTH। हाँ ओके। अभी अगर वो ड्रिंक्स करता है तो ड्रिंक्स, मैं क्या ड्रिंक्स लिखता हूँ, ड्रिंक्स इज बैड फॉर हेल्थ, सिंपल है। तो अगर तीन में से कोई भी चीज़ अगर यूज़ करता है तो हमें उसको अलर्ट दिखाना है। तो इसको हम लोग स्विच केस के जरिए भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ स्विच, हम लोग ने पढ़ा है मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में पढ़ा है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अगर एप्पल है, अगर उसने एप्पल खाया तो या एप्पल आ जाएगा। हम केस लिखेंगे क्या, एप्पल, एप्पल के केस में क्या होगा? आप सिंपल अलर्ट कीजिए कि क्या अलर्ट कीजिए, सिंपल जो एप्पल में लिखा हुआ है वही। तो मैं यहाँ पर सिंपल एप्पल का वेरिएबल पेस्ट कर दूंगा, सेव करके यहाँ पर हम लोग ब्रेक डालेंगे, ये आपको पता है, सेव। और यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखिए सिंपल आपको दिखाई देगा एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो ये अलर्ट बॉक्स ऐसे आता है। अब मैं चाहता हूँ, चलिए हम लोग इसके केस भी डाल देते हैं, दूसरे जो केसेस है। दूसरे केस में क्या है, जूस है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर जूस, यहाँ पर भी जूस, यहाँ पर ड्रिंक्स, तो यहाँ पर भी ड्रिंक्स और यहाँ पर भी ड्रिंक्स। और एक डिफ़ॉल्ट हमारा होता है यहाँ पर। अब डिफ़ॉल्ट केस में आप लिख सकते हो, ये भी हम लोग अलर्ट में ही डालेंगे यहाँ पर, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा कुछ। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे। अभी देखिए एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ आ रहा है बिकॉज हमने स्विच में एप्पल डाला है, और यहाँ पर केस चेक हो रही है एप्पल एप्पल, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस केस में क्या हो जाना चाहिए, एप्पल अलर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर एप्पल डाला है तो एप्पल मतलब ही क्या, ये वेरिएबल में जो लिखा है वो यहाँ पर दिखा दो, सिंपल इसका मतलब है। तो ये अलर्ट में लिखा है हम लोगों ने, इसीलिए ये अलर्ट में दिख रहा है। इसको जब लोड होगा, रिफ्रेश होगा, तो देखिए यही दिखेगा। अब अगर वो बंदा जूस पीता है तो ये जूस के सिलसिले, मतलब जूस के सिचुएशन में यहाँ पर जूस डालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर एक बार जूस डालेंगे तो आपको जूस का मैसेज दिखाई देगा, जूस इज गुड फॉर हेल्थ, सिंपल है। अगर आप ड्रिंक्स पियोगे, ड्रिंक्स डालोगे, तो ड्रिंक्स का मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, देखिए ड्रिंक्स इज बैड फॉर हेल्थ। तो यही है अलर्ट बॉक्स, एक सिंपल सा अलर्ट बॉक्स है। आपको अगर कहीं वेबसाइट पे या कहीं पर आपको मैसेज वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें करनी है, मैसेज दिखाना है, तो आप अलर्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।